وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أجرنا من النار اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنه الخلد امين يا رب العالمين हमने باب ما ادي زكاته فليس بكنز इसको शुरू किया था कि जिसकी zakat दे दी जाए तो वो कंज नहीं होता इसकी पहली हदीस हमने कर ली थी अब इसमें एक चीज़ आप देखिए कि उलमा ने कंज़ के बारे में क्या क्या फरमाया है कि एक तो सुनन अबू दाऊद की किताब जक़ात की हदीस है कि उम्म सलमा सदी से रिवायत है कि वो सोने के कंगन पहना करती थी तो उन्होंने रसोल्ला सल्ला वसलम से पूछा कि या रसोल्ला क्या ये कंज है जिस पर अल्लाह ताली ने वईद सुनाई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर इनकी ज़क़ात अदा कर दी जाए तो फिर ये कंज नहीं है ठीक है लिहाजा कोई माल कितना भी ज़्यादा हो अगर उसकी ज़क़ात अदा कर दी जाए तो वो कंज नहीं है जिसकी के कुरान मजीद में वईद आई है और इसी मौक़ को इमाम बुखारी यहाँ पर साबित करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का भी हवाला दे रहे हैं कि पांच वोकिया से कम चांदी में जक़़त नहीं यानी इसका मतलब है कि अगर पांच अकिया से कम है तो वो तो वैसे ही कंज नहीं है और पांच अविया से ज़्यादा हो गया और उसकी ज़क़ात दे दी जाए तो फिर वो फिर भी वो कंज नहीं होता और ममनू कंज जिस पर कुरान करीम में वईद आई है वो उसके लिए दो शर्तें हैं एक तो ये कि वो माल निसाब को पहुंचा हुआ हो और दूसरे ये कि जब वो माल निसाब को पहुंच गया तो फिर उसकी जक़ात अदा ना की जाए तो फिर वो माल जो है वो कंज बनता है ना कम से कम का कोई निसाब है कि कम से कम इतना हो ना ज़्यादा से ज्यादा का कुछ है कि इतना हो तो फिर वो ज़रूर ही कंज बनेगा इबन हजर रहम्ला कहते हैं कि जिस माल में ज़क़़त वाजिब नहीं वो भी काबिल माफ़ी है यानी जिसमें जक़ात है ही नहीं तो उसे भी जितना भी कोई रख ले तो उसका उस पर वो, वो बहरहाल गुनागार नहीं होता और जिस माल से ज़क़ात अदा कर दी जाए वो भी काबिल माफी है क्योंकि उसका हक अदा कर दिया गया है और उसे भी कंज़ नहीं कहा जाएगा अब हम अगली हदीस देखते हैं हदीस नंबर फोर्टीन हंड्रेड एंड सिक्स चौदह सौ छः

वहाँ रह रहे हैं फ़कुल तलहु तो मैंने कहा उनसे माँ अनजलाका मंजिला का हाजा आपको यहाँ क्या चीज़ ले आई इस जगह पे आपको क्या चीज़ ले आई यहाँ कैसे आप रह रहे हैं कॉले तो अबू जर ने बताया कन तो मैं शाम में रहता था सीरिया में फ़ख तलफ तो मैंने इख्तलाफ किया व मुआविया तो मैंने और मुआविया ने रदी फ़ी इस आयत में वलिया वलधीन यख नजोन जहाब वफत वलायफो नहा फ़ीस के जो लोग ख़ज़ाना बना के रखते हैं चाँदी और सोने को और उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते कल मुआवियतु तो माविया कहते थे नज़लत फ़ी अहलिल किताब कि ये आयत तो आई ही सिर्फ अहल किताब के लिए है क्योंकि उनके अहबार और उनके रूबान की बात थी कि वो लोगों का माल इस तरह से खा जाते हैं और उसको कंस बना के रखते हैं फकुलतु तो मैंने कहा नज़लत फ़ी ना व फ़ी हिम नाजिल हुई है ये हमारे बारे में और उनके भी बारे में फ़का बैनी व बैना हु फ़ीज़ा का तो मेरे और उनके दरमियान इस पर इख्लाफ हो गया वक़तब इलास्स्मानदी तो मुआविया ने ख़त लिखा स्स्मान को यशकूनी मेरी शिकायत करते हुए फ़कतब अल इल स्मान तो ऊस्मानदी ने मेरी तरफ ख़त लिखा अनक दिलमदीना था कि आप आ जाए मदीना फ़त इम्तुहा तो मैं आ गया मदीना

तना तो तुम गोशा नशीन हो जाओ किसी गोशे में चले जाओ नाहिया गोशे को कहते हैं कॉर्नर को कहते हैं तो तुम एक साइड पे हो जाओ किसी और बस्ती गोशे में चले जाओ फकुन करीबन तो तुम हो गए करीब ही फ़ाकल लजी तो ये है वो वजह अनजलनी जो ले आई मुझे हाजल मंजिल इस जगह पर वल अमरू अलैया और अगर अमीर बन जाए मुझ पर हबशीन कोई हबशी लसमियतु व अतातु तो मैं उसकी भी ज़रूर सुनूँगा और इतात करूँगा समा उत्तात करूँगा क्योंकि अमीर की इतात जो है वो फ़र्ज है और अमीर के कहने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं एक तो ये कि सहाबा कराम का एक आयत की जो तफसीर है उसमें इख्तलाफ़ हुआ और मुआविया रदी और अबू जर अबूज़र ऱीला बेसिकली और इसमें दुरुस्त बात जो है वो अबू जर की थी रदी की कि ये जो आयत है ये अहल किताब के लिए भी है और अहिल ईमान के लिए भी मुसलमानों के लिए भी है लेकिन जहाँ पर अबू अब ज़र्रदी का बाकी तमाम सहबा कराम से इख्त हुआ है तमाम सहाबा दूसरी तरफ थे और वो ये था कि अब ज़रदी तन फरमाते थे कि आप कुछ भी नहीं रख सकते आप अपने पास कोई चीज़ कोई माल रख ही नहीं सकते सिवाय इसके कि आप अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उनको रखें और उसके बाद जो आपके पास है वो आप अल्लाह के रास्ते में दे दें और वो आगे चल के हदीस इमाम बुखारी लाए हैं कि जिससे इस्तलाल करते थे अबू ज़रदी लेकिन बाकी सहाब कराम इस बात पर नहीं थे और अबू ज़रदी का एक टेम्परामेंट था वो बहुत ज्यादा जहूद और तकवा और बहुत ज़्यादा दुनिया से वो एक उनके अंदर गिन था उनको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती थी दुनिया तो लेकिन अगर यही बात होती जो अबर रदी तालान हो का मौक़ था तो फिर तो ये था ना कि आप ज़ुक़त किस बात की फिर आप देंगे और फिर आप विरासत के कवानीन जो कुरान के अंदर आए हैं और ज़कवा़त का हुक्म जो बार बार कुरान के अंदर आया है फिर वो किस चीज़ पर एप्लीकेबल होगा ज़क़त आप किस चीज़ की देंगे विरासत आप किस चीज़ की छोड़ेंगे अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो लिहाजा मुआविया ऱी तनों ने देखा कि आ, इनका अबू ज़र रदी का जो ये मौक़ है ना ये थोड़ा सा शाम में लोगों में अनरेस्ट हो सकता है क्रिएट कर रहा हो और लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हों हो सकता है तो उन्होंने कहा कि आप इनको आ, या इनको समझाइए ये जो भी तो उस्मान रदी तन ने उनसे कहा कि आप मेरे पास आ जाए जब ये मदीना आए तो मदीना में भी इनका यही मौक़ था और ये भी बाज किताबों में लिखा है कि ये अपसेट हुए मदीना आकर कि मदीना तो वो मदीना ही नहीं है यहाँ पर तो जाहिर है फतूहत की वजह से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया तो जाहिर है कि थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों की बेहतर होने लग गई तो उस पर भी ये थोड़े अपसेट हुए और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनको देखने आते थे ये खुद ही कह रहे हैं वो ऐसे आते थे जैसे मुझे तो कभी पहले किसी ने देखा ही नहीं तो इसके मुख्तलिफ इसब बताए गए हैं कि लोग क्यों आते थे कि एक तो ये कि हो सकता है कि इनका जो ये कॉल था ये क्योंकि एक रेयर बात थी ना और अमूमन बाकी सहाब कराम इस चीज़ के ऊपर नहीं थे तो लोग देखने आते थे कि ये कौन है कि जो इस तरह की बात करते हैं कि इंसान के पास कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए और दूसरे ये भी हो सकता है कि क्योंकि जाहिर है कि इनके पास जो कुछ भी होता था ये दे देते थे सदगा कर देते थे फ़करा को दे देते थे तो फिर हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं वो इनके पास आते हूँ तो इनको इस चीज़ से भी थोड़ा सा डिसकम्फ़र्ट ऐसा मालूम होता है कि हुआ इन्होंने इसका तस्करा उस्मान रदीलानों से किया तो उस्मान रदीलानों ने इनको कम्फर्टेबल करने के लिए और मदीना में भी कि एक कहीं फिर एक कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए कि अबू जर ठीक कह रहे हैं या दूसरे ठीक कह रहे हैं तो उनको कहा कि आप थोड़ा सा सीन से हट जाएँ

أنا أبي العلاء أن الأحنف بن قيس قال جلست أحنف بن قيس كاتي هيك ما وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد السمدي قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخيري أن الأحنف أن الأحنف بن قيس حدثهم ये अनफ बिन कैस ज इन्होंने सुनाई है ये बात इन तमाम हज़रा को कॉला और क्या कहा है जलसतू अला मला इम बिन क्रैशन मैं क्रैश की एक मजलिस में बैठा था फ़जा और जजुल तो एक आदमी आया ख़शन व शार बिखरे हुए बाल वियाबी और कपड़े भी वल्हाती और सारी हैत ऐसे थी बिल्कुल सादा रफ़ जैसे आ, होती है बिखरी हुई उस तरह की ग्रूम्ड नहीं हत्ता कामा अलहिम यहाँ तक कि वो साहिब जो हैं वो आके कुरैशियों की मजलिस में उनके पास आके खड़े हो गए फसलमा फिर उनको सलाम किया ثم मकला फिर फरमाया बशरका नज़ीना कंस जमा करने वालों को खुशखबरी दे दो खज़ाना जमा करने वालों को खुशखबरी दे दो किस बात की बेरदिन रदफ कहते हैं पत्थर को पत्थर की जिसको युहमा अलैहि फ़ी नारी जहन्नम जिसको तपाया जाएगा जहन्नम की आग में एक गर्म पत्थर की खुशखबरी दे दो जिसको तपाया गया होगा जहन्नम की आग में फिर वो रखा जाएगा अला हलमती सद यहादी इंसान की ब्रेस्ट के ऊपर निपल के ऊपर उसको रखा जाएगा हती यूजा यहाँ तक कि वो निकल जाएगा मन कतिफी ही उसके कंधे की जो एक वो बड़ी हड्डी पीछे होती है उसकी तरफ से वो निकल जाएगा पट्ठों की तरफ से वो निकल जाएगा फिर क्या किया जाएगा वह यू अला अदी कतिफी ही और फिर उसको रखा जाएगा उसके पीछे से शोल्डर की कंधे की बारीक हड्डी को या पट्टों पर हत्ता या खुरुजा यहाँ तक कि वो निकल आएगा आगे से मिन हलमती सद यही उसके निपल की तरफ से ब्रेस्ट की तरफ से या था और ये होता रहेगा लगातार एक के बाद एक दफा ये होता चला जाएगा उसके साथ तो ये उनका था आ, मौकफ और इन अहदीस की वजह से था बल्ला, फिर वो पलटे लौटे फ इला अलासारियत और अलग होकर अकेले बैठ गए एक सतून के साथ वह तब तुह तो ये अहनफ बिन कैस कहते हैं कि मैं पीछे पीछे गया व जलस तो अलही तो मैं उनके साथ बैठ गया वह अना ला अदरी मन हुआ और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये साहिब हैं कौन फकुलहू तो मैंने उनसे कहा लाकोमा इला कद करीधि कुलता मैंने नहीं देखा मगर ये कि मेरी कौम जो है वो नापसंद कर रही है जो कुछ आप कह रहे हैं वो तो उनसे आपसे एग्री नहीं कर रहे है और पसंद नहीं कर रहा इस बात को तो इन काला तो अबू ज़र ने कहा ला या हमला या क़िल्न शै ये कुछ भी बात समझते नहीं है क़ाल खली और अभी तक अहनफ बिन कैस को नहीं पता कि ये सहाबी रसूल अबू ज़रगफ़ारीहूँ हैं

कुल्तू नाम मैंने कहा जी यार रसूल्ला मुझे उहद नजर आ रहा है कॉला तो आपने फरमाया माँ उब्बू नहीं मैं पसंद करता अनु रहबा के मेरे पास हो उद के जितना या उद के जैसा उहद की मिसल सोना उन फिकु कुल्ल मैं खर्च कर दूंगा उस सारे के सारे को सलासता दना मगर ये कि मैं तीन दिनार किसी ज़रूरत के तहत अपने पास मैं रख लूंगा तो ये वो हदीस थी कि जिसकी वजह से अबू जर गफ़ारी यही बिलीव करते थे सारी उम्र और इस चीज़ के ऊपर उनका अमल रहा सारी उम्र और ये कोई आसान काम नहीं है लेकिन बहरहाल ये इस्लाम का मिजाज नहीं है वह इला ला याकिलून और ये जो लोग हैं ये अकल नहीं रखते इन नम यजमा दुनिया और ये दुनिया जमा करते हैं ला व्ला ही नहीं अल्लाह की कसम ला असलम दुनिया मैं इनसे दुनिया नहीं तलब करूँगा नहीं मांगूँगा वला अस तफ्तीम और ना मैं इनसे से सवाल करूँगा दीन दीन के बारे में हती अल्कल्ला यहाँ तक कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूँ यहाँ तक कि मैं अल्लाह को मिलूँ अब यहाँ पर ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीन दीनार के अलावा बाकी ओहद के जितना सोना सदका कर देने वाली बात है तो ये बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाजो और आपकी सदका के लिए मोहब्बत का एक तकाजा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किया करते थे लेकिन जो इस्लाम के अहकाम हैं वो जक़ात के भी हैं वो विरासत के भी हैं लिहाजा इसमें बैलेंस मौजूद है باب إنفاق المال في حقه. مال خرجكرنا أُسكي هاكمي سي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सहाब रसूल अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे हैं ला हसदा नहीं हसद इल्ला फ़िसन मगर दो लोगों में यानी आप दो लोगों से हसद कर सकते हैं उसके अलावा तो कोई चीज़ वर्थ इट ही नहीं है कि उससे हसद किया जाए और यहाँ पर हसद का जो लफ्स है ये गिबता के मानी में आया है गा बा तो गईन बा तो और तामरबूता गिबताः और वो होता है रश्क और हसद में बेसिकली एक जो नेगेटिव चीज़ होती है कि दूसरे की नेमत का जवाल हो जाए गिबता में वो नहीं होती गिबता जो है रश्क वो ये है कि अल्लाह जो तूने इसको दिया वो मुझे भी दे सो इवन रश्क भी किस चीज़ में जायज़ है सिर्फ दो चीज़ों में और वो क्या दो इंसान की खसलतें हैं जिनमें रश्क जायज़ है रजुल्न आता मालन एक ऐसा आदमी जिसको के अल्लाह ने माल दिया फसल तहू तो तौफीक दी उसको अला हलकती ही उसको खर्च करने की उसको हलाक करने की लगा देने की फिल हक, हक में हक बात में व रजुलिन आताहुल्लाहु हिकमतन और फिर दूसरा एक और आदमी उससे भी रश्क किया जा सकता है और वो है जिसे अल्लाह ने हिकमत दी हो विजडम दीनाई व मै तकमत फ़कत ऊत या ख़ैरा कसीरा जिसको हमत दी गई तो दरअसल उसको ख़ैर कसीर दी गई तो ये दो लोग हैं जिनसे रश्क जायज़ है फह व यक दी बिहा तो वो फ़ैसले करता है उस हमत के तहत वह वही और वो उसको सिखाता फिरता है अब यहाँ पर बाज़मा ने यह भी मुतिन किया है कि इन दोनों में से ज़्यादा काबिल रश्क कौन है वो बंदा जो माल खर्च करता है दाएँ बाएँ और या वो बंदा कि जो हमत के साथ फ़ैसले करता है दीन का इल्म लोगों तक पहुँचाता है वगैरह वगैरह तो इस परमा कहते हैं कि ये हमत वाला आदमी जो है ना ये अफसल है ये मज़ीद बेहतर है क्योंकि इसकी जो इल्म सिखाना है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उसके ज़्यादा दूर रस होते हैं बनिस्बत उसके के जो माल खर्च करता है आप वो, वो किसी को देता है वो खाना खा लेता है बात ख़त्म हो जाती है ठीक है लेकिन जो कोई किसी को इल्म पहुंचाता है तो वो उसके लिए बहुत आगे तक के नस्लों तक के वो फ़ायदे करता है और इसमें मिसाल दी जाती है अबू हरे तन की के वो नबी सल्ल वसम के साथ चिमटे रहते थे और आप अपने आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं आपने रखा हुआ था और आ, लेकिन आपकी जो अदीस की रिवायात हैं और आप मुखसरीन सहाबा में से हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अदीस रिवायत की हैं और हमारा कितना फ़ायदा किया है हुरैरा अबरदी यहाँ पर आ, जो असलाफ़ में से ज़ैन बिन मुनीर ने कहा है कि अल्लाह की राह में तमाम माल खर्च किया जा सकता है अगर कोई चाहे तो बशर्ते के किसी वारिस को महरूम करने की नीयत ना हो और अगर किसी वारिस को महरूम करने की नीयत है तो शरण ऐसा करना जायज़ नहीं है तो जो कोई दाएं बाएं आगे पीछे माल खर्च करता भी है तो उसको चाहिए कि वो ये देखे कि वो कहीं अपने वफात के बाद अपने वुरसा का नुकसान करके तो नहीं जा रहा बाबुल रियाई सदका सदका में रियाकारी करने का बयान अब इमाम बुखारी कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं कि जिससे सदकात जो हैं वो ज़ाया भी हो सकते हैं तो अखलाकी पहलू जो है इफ़ाक़ फ़ी सभी का वो बहुत अहम है वो उतना ही अहम है जितना इफाक़ फी सभी करना है क्योंकि बाज़ात ऐसे होता है कि इफ़ाक़ फ़ी सभी कर देने के बाद इंसान कुछ ऐसा कर जाता है कि जिसकी वजह से वो किया हुआ काम बादल हो जाता है एक दफा अजर साबित हुआ लेकिन फिर कुछ ऐसा कर डाला कि वो अजर जो है वो इंसान अपना जाया कर बैठा तो उसमें से एक चीज क्या है बाबू रिया फिर सदका, रियाकारी सदके में ये लिख ही, अल्लाह सुबहान ये फरमान यादीन आमनु ए लोगो जो ईमान लाए हो लातुब तिलु वल बिल ना बातिल कर लेना अपने सदक़ात को एहसान जताकर और ईजा पहुँचा एहसान जताना क्या हो सकता है लोगों को रिमाइंड कराते रहना ज़रा गुस्सा आया ज़रा किसी बात पे दूसरे से हर्ट हुए तो सारा जो कुछ उसके लिए पीछे किया था वो उसको जता दिया तो ये इंसान के किए हुई नेकी कई साल पुरानी नेकी भी हो सकती है कई दिन पुरानी नेकी भी हो सकती है और वो ज़ाया हो जाती है और या फिर ईज़ा पहुँचा कर कोई ऐसी बात कह कर के जिससे वो ह्यूमिलिएटेड फील करे जिससे उसको अपनी गुरबत या अपनी ज़रूरतमंदी का जो एहसास है वो उसका जागे या वो वहसास कमतरी में मुबतला हो सेल्फ़ पिटी में मुबतला हो तो ये चीज़ें जो हैं ये सदकात को बातिल कर देती हैं और इससे बहुत ज़्यादा डरते रहना चाहिए इला ही वल्ल दिल कौमल आफरीन ये बकरा की आयत नंबर टू सिक्सटी फ़ोर है और इसमें अला सुबहान तला ने तीन चीज़ें फ़रमाई हैं एक ये कि अपने सदक़ात को बातिल ना करो एहसान जता कर ईज़ा पहुँचा कर और फिर फ़रमाया कल फिकुमा लहू या अननास उस शख्स की तरह के जो अपना माल सिर्फ़ ख़र्च करता है लोगों को दिखाने के लिए वला उमिन बिल्ला वलिया आखिर और ना वो अल्लाह पर ईमान लाता है रखता है और ना ही उसका ईमान है आखिरत के दिन पर तो उसकी मिसाल कैसे है जैसे एक चटान जिसके ऊपर जोरदार बारिश हुई उसके ऊपर कुछ गर्द पड़ी हुई थी और वो गर्द जो है वो बारिश उसको बहा कर ले गई और वो जो चटान थी वो पत्थर था वो बिल्कुल चिकना, शाइनी निकल आया और उसकी जो गर्द बैठी हुई थी उसके ऊपर वो भी खत्म हो गई वो भी बह गई इलाकवली विल अब्बासन रदीमा इबन अब्बास रदीला नुमा फ़रमाते हैं सलदन सलदन का क्या मतलब है लेसि ले उन जिसके ऊपर कोई चीज़ ना हो ठीक है और ये पूरी जो आयत है ना उसके अंदर ये लफ्ज़ आता है कि फ़तरा का हूँ सलदा उसके ऊपर ऐसी तेज़ बारिश पड़ी कि उसको बिल्कुल चिकना साफ छोड़ दिया वकाला इक्रमा तू और इक्रिमा कहते हैं वाबिल वाबिल कौन सी बारिश होती है मतर शदीद तेज बारिश व तल और तल ये अगली आयात में ये वर्ड्स आ रहे हैं तल क्या होती है अन्नदा, नदा जैसे ड्यू होती है ना शबनम जिसको कहते हैं सुबह के वक्त वो तल होती है तो यहाँ पर आ, इमाम बुखारी रहम्ला वो चीजें लेकर आए हैं एथिकल और अखलाक जो इंसान की सारे अमाल को जाया कर सकती हैं उसके सदक़ात को ज़ाया कर सकती हैं अगर आप कोई नेक काम करते हैं और आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं आपका कोई उसमें ना इरादा है रियाकारी का और ना ही किसी को तकलीफ देने का ना शो ऑफ का और आप वो काम कर लेते हैं और आपने किसी से नहीं जिक्र किया लेकिन नेकी फैलती है नेकी का तस्करा भी फैलता है ये ह्यूमन नेचर है कि लोग दूसरे की नेकी की जैसे वो कहते हैं ना कि नेकी खुशबू की तरह फैलती है तो वो फैल रही होती है उसका जिक्र ख़ैर फैल रहा होता है तो उससे फिर उसको इंसान को ह्यूमन नेचर है कि उसको फिर खुशी होती है तो क्या यह भी रिहाकारी है तो ये रियाकारी नहीं है ना ही ये ज़िक्र खैर रियाकारी है अगर किसी को ख़ुद से आपकी नेकी के बारे में इल्म होता है वो आपके बारे में कोई अच्छी गवाही देता है तो ये तो मिन आज बशरल ममिन है कि मोमिन को जल्दी मिलने वाली खुशखबरियों में से एक खुशखबरी है ये कि इंसान की दुनिया में अच्छी उसके बारे में गवाही दी जाती है उसकी सच्ची नामवरी की जाती है हैदराबाद अलहुदा की एक तालिबा के पिछले दिनों इंतकाल हुआ और उनकी जो उस्ताद हैं उन्होंने उनके बारे में एक छोटा सा नोट लिख के हमारे ग्रुप पे डाला व्हाट्सएप में और उसमें उन्होंने लिखा कि हमारी उस शागिर्द के अंदर जो अलहुदा की किताब है ना उसने अख्लाक और उसने अख्लाक की जितनी भी सफ़ात हैं वो सब की सब हमारी उस तालिबा के अंदर पाई जाती थी तो आप देखें कि कितनी सच्ची नामवरी बात इंसान को मिल जाती है उसके अच्छे अखलाक की वजह से अच्छा अब यह है कि आ, कौन सा सदका जो है वो बेहतर है कि इंसान जाहरी करे ऐलानिया करे या सीक्रेटली करे तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो बहरहाल नहीं है लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप फ़र् सदक़ात दे रहे हैं या जब आप किसी कॉज़ के लिए दे रहे हैं आप कोई फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं तो आपकी नीयत अगर ये है कि लोग इंस्पायर होंगे और लोग मोटिवेट होंगे मज़ीद देने के लिए तो फिर आप आपलानियाँ दें और अगर आप किसी एक इंसान को एक मस्किन को दे रहे हैं किसी सफ़ेद पोश को दे रहे हैं और आपको है कि दूसरों को पता चलेगा तो इसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होगी तो फिर उस वक्त आप छुपा कर दें तो लिहाजा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं इसमें कहा जा सकता बात इंसान की अपनी नीयत की है बहरहाल लेकिन अगर रियाकारी नीयत के अंदर आ जाती है तो फिर रियाकार के ना सिर्फ नेक माल सारे बातिल हो जाते हैं बल्कि वो बाज़ात बुराई में भी बदल जाते हैं एक हदीस में आता है कि क़्यामत के दिन एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसे अल्लाह ताला ने हर किस्म के माल से नवाज़ा था अल्लाह ताला ते अपनी नेमतें जतलाएगा जिनका वो इतराफ़ करेगा फिर उससे सवाल होगा कि तूने क्या अमल किया वो कहेगा मैंने अपने माल को हर उस राह में ख़र्च किया जिसमें तू पसंद करता था तो अल्लाह ताला फ़रमाएंगे तू झूठ कहता है तूने इसलिए खर्च किया ताकि तू ताकि लोग तुझे सखी कहें ताकि तू लोगों में सखी कहलाए और वो तुझे दुनिया में कहाँ जा चुका वो जो तुम्हें चाहते थे उसकी वापसी वो तुम्हें मिल चुकी फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे घसीट कर जहन्नुम में फेंक दो ये सही मुस्लिम की हदीस है तो अल्लाह सुबहान बचाए इस बात से कि हम आ, इन तीन अखलाकी रज़ाइल जो हैं इनको इख्तियार करके तो हम अपनी ज़क़़त सदक़ात को हम ज़ाया कर बैठे मन अज़ा और रिया बाबू ला कबल अल्लाह सदक़तम बिन गलूलिन बाब के अल्लाह अल्ला नहीं कबूल करेंगे सदक़ा गलूल से और गलूल यानी खयानत व ला यकबल्ला मिन कस बिन और नहीं अल्लाह कबूल करता मगर हलाल कमाई में से तो कोई अगर चोरी के माल में से सदका करता है या किसी का माल गसब करके सदक़ा करता है या ख़ानत करके सदक़ा करता है तो वो फिर कबूल ही नहीं है लि कौल ही और इसकी दलील भी इमाम बुखारी हदीस नहीं लाए क़ुरान की एक आयत ही लेकर आए हैं और वो क्या लाए हैं लौलुम आरूफुन व व मकफ़रत ख़ैर उमिन सदक़तिन यत बहा अज़ा वन हलीम कि एक भली बात और माफ़ी मांग लेना यानी एक्सक्यूज़ कर लेना बेहतर है उस सदक़ा से जिसके पीछे ईज़ा आए यानी आप सदक़ा तो दे दें और साथ उसको सौ बातें भी सुना दें तंग किया हुआ तुम लोगों ने हर वक्त आ जाते हो कुछ ख्याल किया करो वगैरह वग़ैरह वल्ला हलीम अल्लाह बेनियाज है और बड़ा बुरदबार है अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं कि तुमने दिया या ना दिया और अल्लाह ताला तुम लोगों की ये बातें सह सुन सह जाता है फ़ौरी रिएक्ट नहीं करता लेकिन तुम लोगों को ये बातें नहीं करनी चाहिए सदका देने के साथ और अगर तुम्हारे पास नहीं है देने को तुम दिल की खुशी से नहीं दे सक रहे क्योंकि कुरान ही में आता है ना बकरा में कि जो खर्च करते हैं अपना माल आ, मरदात अल्लाह अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए व तस्बीतम मिन तमिनफुसिम और अपने दिल के सबात के साथ उनका दिल हवा नहीं हो रहा होता उनका दिल डोल नहीं रहा होता कि मैं पैसे दे रहा हूं तो पता नहीं अब मेरे पास पीछे क्या रह रहा है और साथ साथ अपने भी पसीने छूट रहे हों और दिल भी ना चाह रहा हो देने को तो ये तरीका जो है देने का यह अल्लाह ताला को पसंद नहीं है ठीक है तो कोई भी चीज़ जो ना हक ली जाए फिर चाहे इंसान उस सारी की सारी को सदका कर दे अल्लाह का क़ुरब हासिल करने के लिए तो वो कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि वो पाक नहीं है वो तयब नहीं है और अल्लाह ताला तैयब है और तैयब ही को अल्लाह सुबहान पसंद करते हैं और तैयब से मुराद हलाल माल का सदका करना है यहाँ पर ठीक है और फिर इसी तरह से क्वालिटी वाइज़ भी क्वालिटी वाइज़ भी जो है वो इंसान को वो चीज़ देनी चाहिए कि जो वो खुद लेना पसंद भी करता हो अल-बकरा ही में आता है ना वला तय ममी समिन हतफ़िक वलस तुम दोफी के आ, लोगों को जब तुम खर्च करने लगो लोगों के लिए अल्लाह के रास्ते में लोगों को देने लगो तो नापाक और रद्दी चीज़ें मत दिया करो जबकि खुद वो तुम नहीं लोगे और अगर तुम्हें दी जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा इल्ला ये कि तुम किसी को चलो चशम पोशी कर जाओ तो लिहाजा अल्लाह सुबहान हलाल और तयब कमाई से दिए हुए सदक़ा को कबूल भी करते हैं जो कि आ, दोनों तरह से अच्छी हो यानी रद्दी भी ना हो और हलाल कमाई से भी आई हुई हो बाबदती मिन बिन तयबिन सदका पाक कमाई में से ले कौल ही अल्लाह सुबहान व का ये फ़रमान व युर्ब सदकात और अल्लाह ताली बढ़ाता है सदकात को यहाँ पर भी ये है कि सदकात वैसे तो अमूमी तौर तो पर एक लफ्स आ गया ना कि अल्लाह ताली सदकात को बढ़ाता है लेकिन कौन से सदकात को अल्लाह ताली बढ़ाते हैं हलाल माल से जो सदक़ात किए जाते हैं उनको अल्लाह बढ़ाते हैं कफ़ार असीम और अल्लाह ताला नहीं पसंद फ़रमाता किसी ना शिक्र गुनागार को इला ही अल्लाह के सुबहान व ताली के इस कॉल तक वौफ़ुन ज़नून कि उन पर कोई खौफ नहीं होगा और कोई उन पर गम नहीं होगा ठीक है वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नकामाल किए और उन्होंने नमाज़ क़ायम की और उन्होंने, उन्होंने ज़क़़त अदा की तो ऐसे जो लोग हैं वला खौफन आलिम वला हम जनून उनका अजर उनके रब के ज़िम्मे है और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे ये आयात का तर्जमा है जो यहाँ पर इमाम बुखारी लेकर आए हैं सूरतुल्बरा की आखिरी आयात में से हैं ये सूद की आयात में से हैं और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि बहुत सेलमा जो हैं वो ये भी फरमाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आ, आपका कोई कारोबार है या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जिनमें से कुछ परसेंटेज को सूद की आ जाती है तो वो सूद जो है वो परसेंटेज आपने निकाल कर अपने माल को पाक करना ही करना है अब वो उस माल को जब आप अपने अपने पैसों में से निकालेंगे तो आप उसको किस कैपेसिटी में निकालेंगे तो वो कहते हैं कि आप उसको इस तरह निकालेंगे कि गोया कि वो फिल्थ है डर्ट है गलाजत है और आप उसको निकाल के और अपनी बाकी का जो माल है उसको पाक कर रहे हैं फिर जब आप उसको अल्लाह सुबहान तैाल को uh, के रास्ते में देते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मैं नेकी के रास्ते में दे रहा हूँ या मैं ये नेकी हासिल करने के लिए दे रहा हूँ आपकी नीयत ये नहीं होगी आपकी नीयत सिर्फ़ अपना माल सूद से पाक करने की होगी फिर यहाँ तक भी उलमा ने कहा है कि उस माल को लगाया कहाँ जाए तो वो कहते हैं कि उस माल को लगाया भी फिर किसी ऐसे ही मशरफ़ में जाए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी मस्जिद के बाथरूम्स बनवा दिए जाएं यानी मस्जिद का मेन सहन नहीं मस्जिद के टॉयलेट्स और या फिर यह कि कोई डंप, कोई गार्बेज, कोई इस तरह की चीज़ यानी उसको आ, माल को जब लगाना भी है तो उसको फिल ही की आ, या आ, किसी ऐसी चीज़ में डालें लगाएं कि जो पाकिज़ा और तयब करार ना दे दी जाती हो قال حدثنا عبد الله بن سمع ابن ندري قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے من تصدق بعدل تمرة جس نے يا كيا خجور كبرابر من كسب طيب باكيزا كمائي ميسي ولا يقبل الله إلا الطيب और नहीं कबूल करता अल्लाह सुबहान बता मगर पाकिजा को व अन्ला तो बेशक अल्लाह ताला और बेशक अल्लाह ताला तकबलू कबूल करता है उसको भी यमीन ही अपने दाएं हाथ से सूरबी हा फिर उसको बढ़ाता है उसकी नशो नुमा करता है लसाख ही उसके देने वाले के लिए कमायूरबी जैसे नशो नुमा करता है अहद तुम में से कोई फलू बहू अपने घोड़े के बच्चे को जैसे उसको नर्चर करते हो उसको चारा देते हो उसको धूप छांव से बचाते हो उसको सर्दी गर्मी से बचाते हो उसका ख्याल रखते हो इस तरह अल्लाह ताला पाकिजा माल से किए हुए सदक़े का ख़्याल करते हैं और उसको बढ़ाते हैं यानी वो एक खजूर जो है वो कयामत के दिन एक खजूर नहीं आएगी कि ये लो वो खजूर वापस जो तुमने ली, दी थी तकून मिसल जबल यहाँ तक कि वो हो जाती है एक खजूर अजर में किसके बराबर पहाड़ के बराबर, बराबर। सुबह ताबाहमानिब दीनार

हराम कमाई से अल्लाह ताला सदका कबूल नहीं करते ना पूरा ना उसका कुछ हिस्सा अल्लाह खुद तयब है और तयब के सिवा कोई चीज़ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते अगर कोई शख्स अपने माल को ख़र्च करता है जो उसने हराम के ज़रिए से कमाया और वो तौबा की वजह से ख़र्च करता है अल्लाह ताला ने उस पर एक एहसान किया है कि वो तायब हो गया है तो फिर अल्लाह ताला उससे कबूल करेंगे तो इसमें यह कहते हैं कि फिर भी अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेंगे उसका जो ये माल है हराम का जो वो दे रहा है उसको आ, वो जो इन्फाक़ फ़ी सभी का जो अजर है वो या सदक़ात का अजर है वो नहीं उसको उसमें मिलेगा हाँ उसको तौबा का अजर ज़रूर मिलेगा इनल्लाबावादिन वब्बुलमताहरीन फिर इसी तरह से यह है अगर किसी ने कोई ज़मीन गसब करके मस्जिद बना ली है अब आप देखें कि अपेरेंटली मस्जिद बनाना कितना बड़ा काम था मस्जिद बनाने वाला अब एक अल्लाह के लिए घर बनाता है दुनिया में और अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं लेकिन आ, होता क्या है कि वो जिस माल से बनाई गई है वो माल हराम है तो क्या उस मस्जिद की कबूलीत होगी तो यहाँ पर बाज़लम जैसे शेख हुसैम रही हैं तो वो तो कहते हैं ला तसलीफिल मस्जिद मत पढ़ो नमाज उस मस्जिद में नमाज़ भी मत पढ़ो जो कि हराम माल से या गसब की हुई लैंड से कब्ज़ा कर लिया लैंड के ऊपर और कहा क्या हम मस्जिद बना रहे हैं स्टेट की लैंड थी किसी इंसान की लैंड थी और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और कहा यह कि हम मस्जिद बना रहे हैं तो आ, ऐसी मस्जिद में बाज़िल के नज़दीक तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए फिर इस हदीस में हमें एक अक़ीदे के हवाले से एक बात पता चलती है और वो ये है कि अल्लाह सुबहान का के हाथ हैं और दूसरी हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला के दो हाथ हैं य तकब बलू भी यमीन ही और क्या अल्लाह ताला का दूसरा हाथ बायां है नहीं अल्लाह सुबहान तआला के दोनों हाथ दाएं हैं ये भी हमें हदीस से पता चलता है वक़िलता यदही यमीन और दोनों ही हाथ अल्लाह <ख्ण> सुबहान व ताली के दाएँ हैं फिर ये अल्लाह ताला के, के अफाल में से है कि अल्लाह ताला उस सदके की नशो नुमा करता है बाबू सदकती कबल रद्दी। सदके का बयान इससे पहले कि सदका रद्द कर दिया जाए यानी कोई लेने वाला ही बाकी ना रहे सदक़ा को قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حارثة بن وهب कहते हैं कि मैंने सुना नबी सल्लल्लाहु عليه वसल्लम को फरमाते हुए तसद्दकु सदका किया करो फ इन्नहु यती कि बेशक आएगा या आने वाला है अलैकुम तुम पर जमानुन एक ज़माना यमशिर रजुलू चलेगा एक आदमी बिसदती ही अपना सदका लेकर फला यजिदु मई यकबलुहा तो नहीं वो पाएगा कोई आदमी के जिस जो उससे कबूल कर ले उस सदक़े को लोगों को ज़रूरत ही नहीं रहेगी यकूल रजुल तो एक आदमी कहेगा लव जीता बिहा बिल अंसी अगर तुम इसको कल ले आते यस्टरडे ले आते लाकबिल तो तो मैं जरूर इसको कबूल कर लेता मैं ले लेता फम्मल यूमा लेकिन आज फलाहाजत अली बिहा आज तो मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं रह गई तो इसमें एक तो ये कि कोई भी नेकी का काम अगर आपके जहन में आ गया है तो उसमें जल्दी करनी चाहिए इससे पहले कि इंसान के ऊपर या तो क़्यामत सगरा आ जाए यानी उसकी अपनी मौत और या क़यामत कुबरा आ जाए यानी क़्यामत का दिन आ जाए कि जिसमें कोई लाबैनफ़ी ही वला खुलत वला शफा कि जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त काम आएगी ना कोई दोस्त दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई शफात काम आएगी तो लिहाजा इंसान को

तुम लोगों में कसरत हो जाएगी माल की फयफीदा तो वह बह पड़ेगा यानी पानी की तरह बहता हुआ माल होगा हत तुह यहाँ तक के इरादा करेगा या फ़िक्र करेगा रब्बल माल माल वाला मै यकबलू सदक़ा कौन कबूल करेगा उसका सदक़ा वह हत तार दहू और यहाँ तक कि वो उसको पेश करेगा किसी को फ़ोल याद अलह ही तो वो जिसको सदका पेश किया गया होगा वो कहेगा लाबली मुझे अब इसकी हाजत नहीं है मुझे अब ये चाहिए नहीं है और ये जो आ, वक्त है ये क्या आ चुका है या ये अभी आना है तो इसमें बास तो ये कहा है कि ये वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ الله के दौर में आया था और के लोग जो हैं वो निकलते थे सदक़ा लेकर और दुनिया इतनी खुशहाल हो गई थी रियाया कि कोई लेने वाला ही बाक़ी ना था लेकिन इसमें थोड़ा इख्तलाफ है अगली हम जब आयत पढ़ेंगे हदीस पढ़ेंगे तो उससे आपको बेहतर समझ आएगी कि ये कौन सा टाइम है قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم ٹھیک ہے یہ رومن کیتھلک کرسچن اور پھر مسلمان ہوئے. تو عدي بن حاتم کہتے ہیں يقولوا कन तो इंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ा अहू रजुलानी तो आपके पास आए दो आदमी अहद उनमें से एक आइला, वो शिकायत कर रहा था अयालदारी की और गुरबत की और खर्च की तंगी की वल आखरु यशकु क़त सबील और दूसरा जो है वो शिकवा करता था रहजनी का रास्तों में हमें पकड़ लिया जाता है और हमारा माल लूट लिया जाता है फ़काल अलैहि वसल्लम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा कत वील जहाँ तक ताल्लुक है राजनी का फन नई का तो बेशक आएगा तुम पर इल्ला कलील मगर जल्दी ही एक ज़माना हती तख रुजलू यहाँ तक के एक कारवान निकलेगा इला इलामक्ता मक्का से मक्का की तरफ बगैर खफ़ीन बग़ैर किसी खफीर गार्ड के वमल अमल लत और जहाँ तक तुम्हारी गुरबत और का ताल्लुक है आता तो बेशक कयामत ला तू नहीं कायम होगी हत्ता यूफ़ अहदुकुम बिसक़ती ही यहाँ तक के तुम में से कोई एक फिरेगा यतोफ़ू तवाफ़ करेगा फिरेगा आ, अपना सदका लेकर ला यदूँ और नहीं पाएगा मैं यक बलूह कि कोई कबूल करे उसको उससे सुिर फिर लयकिफन अहदकुम ज़रूर खड़ा होगा तुम में से हर एक बई ना अल्लाह के सामने लई सबई नई नह हिजाब अल्लाह के और उस बंदे के दरम्यान कोई हिजाब नहीं होगा वला तर्जुमान ना ही कोई तर्जुमान होगा ट्रांसलेटर भी कोई नहीं होगा यू तर्जम लहू जो उसके लिए तर्जुमा करे उसी की जबान बोली जा रही होगी न लहू फिर उससे कहा जाएगा अलम मालन, क्या मैंने तुझे माल नहीं दिया था फला तो वो कहेगा बला क्यों नहीं? नहींकूलन्ना फिर उससे कहा जाएगा अलम का रसूलन, क्या तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे गए थे क्या रसूल नहीं आए थे फल यकूलन बला तो वो कहेगा क्यों नहीं फयन दुरु अमी तो फिर वो अपने दाएं जानब देखेगा फला यरा नार तो वो नहीं देखेगा मगर आग सुमयन दुरु अन शिमाल ही फिर वो अपने बाएं तरफ देखेगा फला यरा नार तो वहां भी वो आग के सिवा कुछ ना देखेगा फल ये तकीन्ना अहद तो तुम में से बचे हर कोई आग से वलव बिशक्की तमरतन चाहे वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो फिल जिद और अगर कोई खजूर का टुकड़ा भी देना ना पाए फबिकलिम तयबन तो फिर पाकिजा कलमे से आग से बचो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात किया करो वुल नासी हुसना लोगों के साथ भले तरीके से बात किया करो और इस हदीस में दक़ा ही की फीलत है और ये कि सदक ऐसी चीज़ है कि चाहे वो इतनी थोड़ी हो कि खजूर का आधा टुकड़ा हो तो भी वो आग से बचाने में मुआविन साबित हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमजी की हदीस है वदाकतु तुतफ उल्ती आ सदक़ा ख़ताओं को बुझा देता है कमायुत्फ़ उलमा उनार जिस तरह से कि पानी आग को बुझा देता है इसी तरह सदक इंसान के गुनाहों کو बुझा देता है इसी तरह एक और हदीस में आता है कि सदका जो है अपने बीमारियों का इलाज सदका से किया करो قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برد عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس البتاء ايجا لوگوں پر زمانن ایک زمانہ يطوف الرجل فيه फिरेगा एक आदमी उसमें बिस सदकती सदक़ा लेकर मिन जहबी सोने का समला यजिद वहदन फिर वो नहीं पाएगा किसी को युजुहा मिनहू जो उससे वो सदका ले ले वयरर रजलवािद और देखा जाएगा कि एक अकेला मर्द यथ बेहू अरबाउन बऊू उसके पीछे हैं चालीस औरतें और एक और हदीसा है जिसके अंदर पचास औरतों का जिक्र है यलुफ नबी जो पना लेती हैं उसकी यानी उसकी किफ़ालत में उसके पीछे उसकी फैमिली में वो एक मर्द रह गया है और पचास औरतें हैं मिन किल, मिनकिल्लत रिजाली रिजाल की मर्दों की किल्लत की वजह से और औरतों की कसरत की वजह से और आ, इसमें वजह क्या होगी इसमें अहले इल्म ने दो वजूहत दी हैं एक तो ये कि वैसे ही फ़ीमेल बर्थ्स ज़्यादा होंगी बेटियाँ लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होने लग जाएंगी और या फिर ये कि कोई जंगें ऐसी होंगी कि जो वर्ल्ड वॉर्स और जो एंड ऑफ टाइम्स में बहुत बड़ी बड़ी जंगें होनी हैं कि जिसमें मर्द इतने शहीद होंगे या इतने मर जाएंगे कि औरतें ही औरतें बाक़ी रह जाएंगी ये वक्त क्या आ चुका है तो जो या तो ये है कि अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए कि एक जो वक्त है वो आ चुका है उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में कि फ़रावानी इतनी हो गई थी कि कोई लेने वाला ही नहीं था लेकिन दूसरा जो है वो नहीं आया वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में नहीं आया तो अगर ये दो अलग अलग टाइम्स की निशानियाँ हैं तो अल्लाह आलम लेकिन अगर ये इकट्ठे दोनों ने मैनिफेस्ट होना है कि फरावानी इतनी होगी कि कोई सदका लेने वाला ना होगा और औरतें ही औरतें होंगी कोई ख़ाल ख़ाल मर्द जो है वो बाकी रह जाएगा तो फिर ये जो है इतने तीन महदस जो हैं वो फरमाते हैं कि ये ईसा सलाम के नज़ुल के बाद होगा जबकि रुए ज़मीन पर कोई काफिर नहीं होगा और ज़मीन की बरक़ात का ये आलम होगा कि एक अनार से पूरा कुंबा शेर हो जाया करेगा और ज्यादा जो राज कॉल है ना वो यही मालूम होता है कि ये दोनों निशानियाँ कुर्ब क़्यामत की हैं बाबू बाबूरा वल बमर आग से बचो चाहे वो खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो वलकली मिन सदा और सदका थोड़ा भी हो अगर व मसलबा मरदात व तस्बी तमिनफ़ी अलआया व अलाकही मिनकल मिसाल उन लोगों की के जो खर्च करते हैं अपने अम्वाल अल्लाह की ऱा की खातिर और अपने नफ्स के सबात के साथ तो उस उनकी मिसाल उस बाग की तरह है कि जो एक सतह मुर्तफ़ा पर था एक प्लेटो के ऊपर ऊंची सतह के ऊपर फिर उसके ऊपर बरसी ज़ोर की बारिश और फिर उसने हर तरह के फल दिए और अगर उस पर ज़ोर की बारिश ना भी बरसी तो उसको तो वो ड्यू ही काफ़ी है वो शबनम ही काफ़ी है उसके अंदर इतनी ज़रखेज़ी है और अंदर इतनी खैर वरकत है कि वो पल देता ही देता है हर आन قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي بائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة جب نازل هوي صدقة كي آية كنا نحامل توهم نحامل هم بازار جاتي ہم पोर्टर्स की तरह जैसे कुली होते हैं ना कुली की तरह हम काम करते लोगों का सामान ढोते इधर से उधर और फिर उसकी उजरत लेते ताकि उसमें से सदका करें फ़जा और तो आया एक आदमी आता एक आदमी फ़तः सदक़ी शई इन कसीरन तो वो बहुत बड़े सदकात करता फ़कालु तो कहते लोग कौन लोग मुनाफिकी मुराई रियाकार है इतना ज्यादा खर्च कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए ये रियाकार है वह जा फिर आता एक आदमी फत सदका तो वो एक सा सदका करता फकालू तो ये मुनाफिक कहते इन अल्लाह लगनी अनसा इहाजा अल्लाह ताला बे है इस एक सा के सदके से फनजलत तो ये आयत नाजिल हुई सूरत तौबा الذين يلمزون अलधीनमिज़ूनमतव्य من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون जदद جهدهم कि वो लोग जो ताने देते हैं ख़ुशी ख़ुशी सदका करने वाले अहले ईमान को जो अपनी मुशक्त के अलावा और कोई चीज़ पाते ही नहीं वो चंद दिरहम, चंद दिनार या एक सा ही होता था जो वो ला सकते थे और उसका फिर ये लोग मज़ाक उड़ाते थे और ये मुनाफिकीन थे और खसूस इन्होंने ये मज़ाक उड़ाया था गज़बा तबूक के मौके पर और ये कहते थे कि अच्छा ये चंद खजूरों से अब ये मुसलमान जो हैं ये रोम फता करने चले हैं तो इस आयात से और इस इन अबाब से हमें ये पता चलता है कि सदका थोड़ा हो या ज्यादा उसका सदका देने वाले को सवाब मिलेगा बशर्ते कि वो अखलास के साथ दिया जाए दिल जमई के साथ दिया जाए इसी तरह ये जो मौका था तबूक का इसमें अब्दुलरहमान बिन औफ रदी ये आठ हज़ार ले आए तो मुनाफिकीन कहने लगे कि ये तो रियाकार हैं और एक और सहाबी थे अबू अकील रदी वो मेहनत मज़दूरी करके एक सा खजूर बतौर सदका लाए तो उनका मज़ाक उड़ाने लगे कि अल्लाह ताला को इन खजूरों की क्या ज़रूरत पड़ी है लेकिन मुनाफिकीन इस बात को समझते नहीं कि अल्लाह के यहाँ मकदार नहीं बल्कि मैार की कदर कीमत होती है और वहाँ पर इंसान का अखलास देखा जाता है قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ابو مسعود الانصاري جليل القدر صحابي ہیں غزوہ بدر میں بھی شريك تھے اور 40 ہجری وفات ہوئی تھی. कॉल वो कहते हैं काना रसूल अल्ला वम थे अल्लाह के रसूल सल्हस इदा अमरना बदक़ती जब हमें हुक्म देते सदका का इन तला का अहदुना चल पड़ता हम में से एक एकख बाज़ार की तरफ फ़ै हामिल तो हम मजदूरी करते हम सामान ढो ढो के उठाते फयुसीबलम तो एक मुद मिलता उसको व इन न लिबादही मौमा लमीअतलफिन और आज उनमें से बास के पास एक लाख हम मौजूद हैं एक सौ हज़ार हम मौजूद हैं यानी अल्लाह ताला ने फिर वो जो तंगदस्ती थी वो बाद में फिर खुशहाली में भी तब्दील की हदसना सलीमान حرب قال बिन कौलादसना عن अबी इसहा काला سمعت عبد الله मा कलिन قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عدي بن حاتم कहते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल صلى الله عليه وسلم को यह फरमाते हुए "اتقوا النار" आग से बचो "ولو بشق تمرتين" चाहे वो खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना हो قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن هزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي هي یہ بڑی خوبصورت بہت دل کو چھونے والی کئی ایسپیکٹ دخلت, امرأة دخلت ایک عورت آئی میرے پاس ایک عورت داخل ہوئی میرے گھر میں ابن और उसके साथ दो उसकी बेटियां थीं लहा जो उसकी अपनी थी तस अलू उसने मुझसे सवाल किया वो भूखी थी उसने खाना मांगा बेसिकली फलम तज इी शहीन तो मेरे पास तो कोई चीज़ थी ही नहीं गैरा तम सिवाय एक खजूर के फ आकई या हा तो मैंने वही उसको दे दी फ़समत हा तो उसने उनको बांटा उस एक खजूर को उसने दो तो टुकड़े किया बई ना इबन तिहा अपनी दोनों बेटियों के दरम्या उसने उस खजूर को तकसीम कर दिया वलम ताकुल और खुद उसमें से कुछ भी न खाया सुम मकामत फिर वो उठी फराजत फिर वो चली गई फ़खला नबीयू वसल्लम वलैना तो तशरीफ़ लाए दाखिल हुए नबी सल वसम हमारे पास आए फर्त हु तो मैंने उनको ये बात बताई फ़कॉला तो आपने फरमाया मन बिली अमिन बनात जो आजमाया गया इन बेटियों की वजह से बिशयी इन कुछ भी सित्रम स तो ये हो जाएंगी उसके लिए आग से पर्दा अब आप देखिए कि इस हदीस में कैसी कैसे अजायब हैं कैसी कैसी खूबसूरत बातें हैं सबसे पहली बात कि नबी सल वसलम का घराना मदीना में अफजलुल बुयूत था सबसे ज़्यादा अफजल लोग सबसे ज़्यादा उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली रूलर थे मदीना के शर्फ़ में भी सबसे ज़्यादा थे स्टेटस में भी सबसे ज़्यादा थे और आयशा तआला तन अबू बकर अद्दीक की बेटी भी थी लेकिन उनके पास घर में उस वक्त क्या चीज़ थी एक खजूर जरा अपने और अपने अलमारियाँ और अपने स्टोरेज जरा देख लें किस तरह हम लोगों को एंजाइटीज बनती हैं जब ज़रा सा हमें होता है कि अच्छा जी क्या आ गया जी ये एपिडेमिक आ गया है तो ये तो दालें खरीद लें दालें ख़रीद के स्टोर कर लें ये भी ना सोचें कि क्यों मैं लगा हुआ मेरा पिछला ही कम से कम एक वो ले ले और एक मैं ले लूं नहीं शेल्फ खाली कर देनी और ला के क्या करना है ला के रख छोड़नी सुबहान अल्लासानवक्ल सीखना है तो फिर सहाबा क़राम से सीखे और सीखना चाहिए फिर आप दूसरी मजीद आगे देखिए कि आयशा रन का इशार अपनी जात पर उस औरत को तरजीह दे दी क्योंकि एक ही तो खजूर थी फिर घर बिल्कुल खाली हो गया कुछ भी बाकी न रहा खाने को वह एक खजूर थी वो भी दे दी ये मनाकब आयशा रदी तमे से है और सब एक से एक थीं ये तमाम महातमिन एक से एक थी तमाम सहाबा एक से एक थे तीसरी बात जो इस हदीस से हमें पता चलती है वो उस औरत की अपनी बेटी के लिए अपनी बेटियों के लिए रहमत थी कि उसने वो तीन टुकड़े नहीं की खजूर और दो टुकड़े करके अगर वो तीन करती तो बेटियों का हिस्सा कम हो जाता ख़ुद वो भूखी रह गई और उसने अपनी बेटियों को आधी आधी खजूर दे के कुछ उनके पेट में चला गया बच्चियों के और आयशा को ये बात इतनी अजीब लगी इतनी रेयर और यूनिक लगी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया उसके अजब की वजह से और उनको जो ताज्जुब हुआ था उसकी वजह से तो नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को कोई ट्रायल्स आए उब का मतलब कोई नेगेटिव नहीं है कि आज़माया गया तो ख़ुदा न खास्ता ये नहीं है कि लोग जो है वो बेटियां पैदा हुई तो बस वो आजमाए ही जाते हैं कोई ट्रायल आया इन बेटियों की वजह से और ख़ास तौर पर जो एक कल्चर है हमारा कि हर किसी को बेटा ही चाहिए होता है और उस दौर में भूख भी हो और साथ बेटियां हों तो ऐसे में कोई इंसान अगर उन बेटियों की खुश दिली के साथ परवरिश करता है हिफाजत करता है तो फिर क्या है कि वो उसके लिए आग से पर्दा बन जाएंगी आग की आड़ बन जाएंगी और वैसे आप देखिए कि बाजुकात तो आज ये होता है कि आजकल तो बहुत दफ़ा ये देखने में आया है कि एक एक औरत जो है वो हज़ार आदमियों से बेहतर होती है फिर इसी तरह आ, कितने ज़्यादा ये केसेस हैं कि एक खातून थी कि और इस तरह के कई केसेस हैं कि उनकी औलाद थी बेटे भी थे और एक बेटी थी और बेटे जो हैं वो सारे बहुत थे खुशहाल और ये गरीब थी और इनके पास कुछ नहीं था और एक बेटी थी जो इनकी खिदमत करती थी और इनके पास आती थी उनके बेटों ने उनको कोई नफ़ा नहीं दिया बड़े होकर और इस तरह के कई आपको मिलते हैं केसेस सुनने को तो लिहाजा ये हदीस इसलिए नहीं है यहाँ पर कि खुदा न खास्ता बेटियों को कुछ गलत कहा जा रहा है बल्कि ये है कि क्योंकि इंसान ज़्यादा बाज़ात फील करता है ज़्यादा इमोशनल होता है अगर बेटियाँ भूखी रह रही हों या बेटियों को कोई तकलीफ़ हो तो इसलिए ये बात फरमाएगी बाब इंशाल्लाह अल्लाह आलम बाबू अय्यदक़त अफदल कौन सा सदक़ा अफदल है वह सदक़त शहीह सहीह। और सदक़ा अशहीह का शहीह शह से जो बुखल रखता हो दिल में कहीं और उसको इन्वेस्ट करना चाहता हो असही और वो सेहतमंद भी है तंदरुस्त भी है शहीह जो है ये नफ्स के लिए आया है और शही हन फिल नफ्स और सही हन फिल बदन ये बदन के लिए है सही सेहतमंदा सुबहान मताल का यह फ़रमान व अनफिकु मम्मा रखना हूँ मिन कबली अतकम्ल मौत के खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया इससे पहले कि तुम में से किसी को आ जाए माउत الآية وقوله أرى لك يفرمان يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بين فيه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القاقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ایک آدمی نبي نبی صلى الله عليه وسلم کے باس उसने कहा, या اللہ, के रसूल, अजरा, कौन सा सदका अजर में सबसे ज्यादा है कला फरमायादका ये तू सदका करे व अंत सही शहीन तुम सेहतमंद भी हो और बहीली भी रखते हो दिल में तक्शल फक्र और तुम्हें अंदेशा और खौफ लगा हुआ है फक्र का भी गिना। और तुम्हें एक उम्मीद भी है गना की आ, अमीर होने की यानी तुम इन्वेस्ट भी कर सकते हो कहीं पर तुम माल और जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो वला तुम हिलू और ना तुम उसको लटकाओ यानी एक्सटेंड करो मोहलत दो हता इज़ा बलाअिल हल्कोम यहाँ तक के इंसान की जान हलक तक पहुँच जाए खुलता फिर तू कहे लिफुलानकज़ा इन इनकज़ा अब फलाँ के लिए इतना और फ़लाँ के लिए इतना वक़द इन तो वो तो फ़लाँ का हो चुका तुम्हारे कहने ना कहने से अब क्या होगा तुम्हारी यूं सांस मुसाफिर होगी और उधर तुम्हारी हर चीज़ जो है वो तुम्हारी नहीं रहेगी और वो तुम्हारे वसा की हो जाएगी तो लिहाजा क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में गिव वाइल यू आर स्टिल लिविंग अभी आप जिंदा हैं तो उसमें से आप सदका करें उसमें से आप दें व अंता सही हन शही हन सही हन फिर जिसम व शही हन नफ्स ठीक है तो इसमें एक और जो बात है वो ये है कि क्या फिर वसीयत से अफजल है कि इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में दे जाए तो तोलम कहते हैं कि जी हाँ वसीयत से बहरहाल ये अफजल है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ही में दे जाए बा और यहाँ पर इमाम बुखारी ने कोई नहीं दिया और ना देने की वजह क्या होती है या तो ये कि वो पिछले बाब के साथ ही वो हदीस मुनसलिक हो रही होती है और या ये कि इमाम बुखारी लिखते लिखते उन्होंने उसको छोड़ा फिर वो वापस तशरीफ़ लाए फिर जब बाद में दोबारा शुरू किया तो हो सकता है कि उन्होंने बाब लिखना वो भूल गए हूँ حدثنا ابو عوانه عن فراس عن कौल हदसना مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ये भी बहुत ही खूबसूरत एक हदीस है के बाद जो बीवियाँ थीं नबी अलैहि वसल्लम की सी कुल नबी अलैहि वसल्लम के उन्होंने कहा नबी सय कौन हम में से असरा बिका लहोपन ज़्यादा जल्दी मिलेगी आप कोला अत वलुकन्ना यदन जिसका तुम में से हाथ सबसे लंबा है तवील है फ़दू तो सब लगी कसबतन कसबन नापनेजरऊन अपनी हथेलियों को अपने बाजुओं को फकानत सऊदत तो सऊदा रदी तह जो थी अत अत्वल। अत वन्ना यदन उनका हाथ सबसे लंबा था फ़ालिमना बादु बाद में फिर हमें पता चला अन्नमा कान तूला यदिहा के तूले यद से तो मुराद थी असदका सदक़ा कौन सदका ज़्यादा करती है वकानत असराना लुहम भी और वही थी जो हम में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा मिली वकानत सदका और वो थी मोहब्बत करती सदक़ा से ये कौन थी ये थी जैनब बिनते जहश और इसके बारे में कहा जाता है कि जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने इस बात के मशहूर होने की वजह से इसको दोबारा आ, आ, नहीं मेंशन किया ज़ैनब बिंद जहश का नाम अल्लाह लेकिन वैसे तमाम जमायर जो हैं वो ज़ैनब बिंद जहैश ही की तरफ़ जाते हैं और मुस्तरक हाकिम में एक हदीस है कि जिसमें हज़रत रजील्ला ते अर्ज़ की कि, कि रसोल्ला ये फ़रमाया कि रसुल्लम ने अपनी बीवियों से फरमाया था कि तुम में से लम्बे हाथ वाली मुझे सबसे पहले मिलेगी तो हज़रत आयशा ने कहा कि हम आपके बाद आपकी एक बीवी के घर में अपने हाथ नापा करती थी यहाँ तक कि हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रदील तह का इंतकाल हो गया और हालांकि वो फिज़िकली हमसे लंबे हाथों वाली नहीं थी उस वक्त हमें मालूम हुआ कि रसोल्ला सल्ला वसलम की मुराद ये थी कि जो सदका ज़्यादा करती है वो सबसे पहले मुझे मिलेगी और ज़ैनब बिनत जहश रदील्ल्ला तह का कमाल क्या था ये अपने हाथ से चमड़ा रंगती थी ये लेदर को पहले टैन करती थी फिर उसको डाई करती थी फिर उसको सीती थी उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती थी उसको मार्केट में सेल करती थी और पूरी ऑन्टरप्रीनोरशिप का जो है ना एक तरीका वो हमें इनमें मिलता है और फिर जो इनको माल मिलता था उसे अल्लाह की राह में सदका करती थी यानी लिटरली अपने हाथ की कमाई जो है वो ये अल्लाह के रास्ते में सदका करती थी तो इसलिए सबसे पहले ये जा मिली नबी अलैहि वसल्लम से अब आ, इसका ये मतलब नहीं बनता कि उमहतम को ये पता था कि नबी अलैहि वसल्लम ने पहले आ, वफात पा जानी है बल्कि ये उनका एक इश्तियाक था नबी अलैहि वसल्लम सके के साथ रहने का कि अगर आप अलैहि वसल्लम हमसे पहले वफात पा गए तो हम में से कौन सबसे पहले आपकी मुसाहबत में पहुँचेगी और फिर ये कि आ, इसमें यह भी नहीं है कि जो पहले पहुंची वो अफसल थी बाक़ियों से बल्कि ये बस उनके एक इश्तियाक की बात है और सदक़ा की फ़जीलत बहरहाल इसमें बताई जा रही है सुबह इलैक शद अलैकुम व असलकूम व बरकातहू